नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। ईरानी जनरल कासिम सुलेमान के मारे जाने के बाद क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चली है? क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही है और जो CIA वगैरह की रिपोर्ट है, उसमें इस आशय की आशंका जताई जा रही है कि रूस, चीन ईरान के साथ हैं और इधर दूसरी तरफ अमेरिका है। यदि ये तनाव ज़्यादा बढ़ता है, जो कि लक्षण साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बात सोच लीजिए कि उत्तरी कोरिया के साथ जो कुछ भी अमेरिका का समझौता हुआ था, वो समझौते का पालन नहीं हो रहा है और उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन की भूमिका बताई जा रही है। चीन ने ही दोनों को वार्ता की टेबल पर ले आया था और अब जो तनाव बढ़ रहा है उसमें भी चीन की भूमिका है। क्या हो सकता है? सबसे बड़ा इसका इफेक्ट तो ये हुआ है कि तेल की कीमतों में 4% का उछाल आ गया है चंद घंटों में। उसके आगे क्या होने वाला है, तो जो दुनिया भर के पत्रकार इसको लेकर के लिख रहे हैं इस घटनाक्रम के बाद, उस पर ज़रा गौर करते हैं। तो बात ये आ रही है कि एक आधिकारिक वेबसाइट है, संकेत को दे रही है कि जिसमें एक पत्रकार ने लिखा है कि 18 मई 2018 के अपने लिखे लेख में ही इसके संकेत दिए थे कि इलाके में जंग जारी है। लीबिया से लेकर सीरिया और यमन में जंग चल रही है। ये जंग सिया और सुन्नी के बीच नहीं, ये क्षेत्रीय राष्ट्रों के बीच है, बल्कि ये अमेरिका और रूस के बीच विश्व युद्ध की शुरुआत है। ये खतरनाक बात है। यदि लिमिटेड वार होता, अमेरिका ईरान पे या ईरान अमेरिका के ठिकानों पे वार करता, तो बात समझ में आ रही थी। लेकिन यदि रूस और चीन दूसरी तरफ से हैं और ईरान की पीठ पे हाथ रखे हुए हैं, तय मानिए इसके खतरनाक परिणाम होंगे। इसी बीच जब ये डेवलपमेंट हम आपको बता रहे हैं, खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका ने अपने राजनयिकों और अपने लोगों से तत्काल जहाँ जहाँ ऐसे ठिकाने हैं उसके जिसपे ऊपर हमले की आशंका है, उसको छोड़ने के लिए कहा है कि आप वो जगह छोड़ दीजिए, चाहे सड़क मार्ग से चाहे हवाई मार्ग से वहाँ से निकल लीजिए। तो अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने रिएक्ट किया है कि आगे और क्या हो सकता है। फिर एक बात ये आ रही है कि ये सब ईरान को लपेटे में लिए जाने ठीक उसी तरह से जैसा उसने लीबिया और सीरिया में किया था। लीबिया और सीरिया में भी दोनों देश आमने सामने थे, कौन? रूस और अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया के जो एक विश्लेषक है जॉन ब्लेजर, उनका दावा है कि इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। ईश्वर करे कि ऐसा ना हो, लेकिन पत्रकार अपने अपने हिसाब से ऐसा कह रहे हैं। अब ये बात आ रही है कि 1 अक्टूबर से जो कुछ भी इराक में चल रहा था, वो वास्तव में अमेरिका और दूसरी तरफ रूस, चीन और इराक के बीच चलने वाले युद्ध का पहला चरण है। और अब जो है, शनिवार को ही ईरान की इस्लामिक रिपब्लिकन आर्मी के डिप्टी हबीबुल्ला सयारी ने अमेरिका को चेतावनी दी थी और अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि यदि हमने कार्रवाई नहीं की तो उसके ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। और उसी का नतीजा है कि उसने तत्काल आनन फानन में, जैसे ही उसे खुफिया इनपुट मिला सुलेमानी के वहाँ होने का, सुलेमान का, उसने तत्काल हमला किया। और अब जो है, ईरान, चीन और रूस के साथ मिल करके ये जो है एक्सरसाइज करने वाले हैं, ये देश जो अमेरिका के खिलाफ है। और CIA के जो पूर्व अधिकारी हैं, उनका ये मानना है कि इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। ईरान आतंकी घटनाओं के जरिए इसका बदला लेगा, साइबर अटैक भी हो सकता है। और ये जो CIA अधिकारी हैं, इनका नाम है नॉर्मल रूल, ये कह रहे हैं कि ये बुरा वक्त है और मुझे लगता है कि अमेरिकी लोग के जान खतरे में देखकर ही अमेरिकी सेना ने एक बड़ी कार्रवाई की और इसका नतीजा बहुत ही खतरनाक होने वाला है। खतरनाक होने वाला है तो क्या हो सकता है? तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ चले हैं क्या? यदि उधर से रूस और चीन खुल करके साथ में आ जाते हैं, तो तय मानिए इसके नतीजे अच्छे नहीं होने वाले हैं। और दुनिया पर इसका क्या असर होगा? भारत जैसे देशों पर क्या होगा, जो एक तरफ अमेरिका के भी नज़दीक है, दूसरी तरफ रूस के भी और तीसरी तरफ ईरान के भी? तो जो तेल का आयात होता है, स्वाभाविक है कि में आग लगने वाली है। और जो महंगाई का दौर चल रहा है, जो स्लो डाउन चल रहा है, उसमें जो है पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। और यदि ऐसा ये युद्ध छिड़ा, यानी न विश्व युद्ध न भी हो और व्यापक लेवल पे छिड़ा, दोनों पालों में और देश जुड़ते चले गए, तो नतीजे तो खतरनाक